अब हम खबरों में एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और कुछ बड़ी अपडेट्स आपको देंगे पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। यूपी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का सबसे बड़ा अपडेट है, 20 जिलों में वोटिंग का 1 घंटे से ज्यादा का वक्त पूरा हो गया है, थोड़ी देर में 1.5 घंटे का वक्त हो जाएगा। कोरोना नियमों के तहत वोटर्स वोटिंग कर रहे हैं, मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर जगहों पर। कोरोना नियमों के तहत वोटिंग करने की बात जरूर है, लेकिन कोरोना नियमों के तहत ज्यादातर जगहों पर वोटिंग हो रही है, यह प्रश्न है। वाराणसी चलते हैं और देख लेते हैं कि वहां पर कोरोना नियमों के तहत किस तरह से वोटिंग हो रही है, कितना उत्साह है और कैसे 1.5 घंटे तक वहां पर वोटिंग हुई है लगभग। बताइए नीतीश और दिखाइए तस्वीरें, कैसे मतदान चल रहा है। राजेंद्र जी, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और मतदान का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा दें, आप देखें जिस बूथ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने जो तस्वीर दिखाई थी, उत्साह कहीं भी उससे कम दिखाई नहीं दे रहा है। लोग यहाँ पर अभी भी कतारबद्ध होकर खड़े हैं, लेकिन आप देखिए वही बात अभी भी दिखाई दे रही है। कोरोना का जो नियम है, साफ तौर पर कहा गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, लेकिन ये महिलाओं की लाइन है और कहीं भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं देगी। अब दूसरे बूथ पर चलते हैं, इसी विद्यालय के, कोईराजपुर में हम हैं और इसी विद्यालय के दूसरे बूथ पर चलते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए जो लोग हैं वो कैसे एक साथ खड़े हैं। अब यहाँ के तीसरे बूथ पर हम आपको ले आते हैं, आप देखिए ये तीसरा बूथ है, यहाँ पर भी देखिए ये लोग खड़े हैं। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग कतारबद्ध होकर यहाँ पर वोटिंग करने आए हैं, कोरोना से डर नहीं लग रहा आप? आपने 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 बांधा तो है, गमछा तो बांधा है, लेकिन कायदे से नहीं बांधा है। जो कतार में खड़े हैं वहाँ दूरी नहीं दिखाई दे रही है, क्यों लापरवाही क्यों कर रहे हैं? आज एक दिन मर रही के हसा है, आ जाए कोरोना सर मर जा। कुछ और भी लोग हैं, युवा हैं, आप लोग बताइए कि वोटिंग को लेकर किस तरह का उत्साह है और सुरक्षा को लेकर कितनी जागरूकता? पूरा जागरूक है, जागरूक है। नेता कैसे? नेता ठीक है। कैसा चुनना चाहते? अपने हिसाब से चुनना चाहते हैं। आप बताइए जी, आप यहाँ पर वोटिंग करने आए हैं, वोटिंग के दौरान मन में क्या होता है? मन में तो एक अजीब सी फीलिंग चल रही है, फिलहाल अपने मन पसंद का नेता ही चुनना है। अच्छा, गांव में विकास का मतलब क्या होता है? हम ये जानना चाहते हैं कि ग्रामीण जनता किस तरह का विकास चाहती है, क्या विकास है और विकास के मायने क्या होते हैं गाँव में, किस तरह का विकास? गाँव में सबसे बड़ी समस्या ये रोड चक्रोड़ आने जाने के लिए, अगर ये रहे और नल जो है पानी पीने के लिए हैंडपम्प ये सब हो, पानी के साधन हो, यानी आम सुविधाओं को मुद्दा बनाकर यहाँ पर वोटिंग हो रही है। अब हम अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, सबसे पहले ये देखिए गेट पर ये सुरक्षा के जवान मुस्तैद खड़े हैं और इसके साथ आप अंदर की तरफ आते हैं, वोटिंग जारी है। आप देखिए यहाँ पर जो ये ठीक बाहर जो बूथ है उसके ठीक बाहर ये सैनिटाइजर रखा हुआ है जी, हालांकि जो गेट है वहाँ पर नहीं है। अब अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आप देखिए अंदर की तस्वीर है राजन जी, यहाँ पर वोटिंग जारी है, लेकिन जो बूथ के भीतर की जो स्थिति है, जो मतदान कर्मी हैं वो तो सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखिए लोग यहाँ पर भी नज़दीकी पूरी तरह से बनाए हुए हैं। ये सवाल आप पूछिए, ये सवाल वहाँ पर मौजूद पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मी और मतदान कर्मचारी जो पोल ऑफिशियल से, उसे जरूर पूछिए जी। हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से कोविड गाइडलाइन का ये उल्लंघन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? केवल टोका जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अपनी सुरक्षा दूसरे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा गैप बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन बाहर की हालत भी आप देख ही रहे होंगे, वहीं से आ रहे हैं। नहीं मान रहे लोग, नहीं मान रहे, हम लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। राजेंद्र जी एक बात बताइए, आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं फिर भी? हम लोग तो चाह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, लेकिन फिर भी मतलब कहने पर भी नहीं मान रहे हैं, तो क्या बताएं, आदमी को समझ में नहीं है। दूर 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 वहीं से दूर गलती हो रहा है, दूर दूर रखें, दो दो फीट, अब तो 2 फीट जी। दोष एक दूसरे पर मढ़ने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन स्वयं के द्वारा किस तरह से व्यवस्था को बहाल किया जाए ये कोई नहीं सोच रहा है। मतदान का जो केंद्र है, आप देखिए बूथ के बाहर की स्थिति आपको दिखा दें, ये देखिए बूथ के बाहर की स्थिति है, जो मेन गेट है वहाँ की स्थिति आप देख लीजिए और इसके साथ ही जो बूथ है उसके जहाँ पर मतदान चल रहा है वहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश एक दूसरे पर दोषारोपण हो रहा है, बिल्कुल आप। और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो एक दूसरे पर दोषारोपण हो रहा है, लेकिन ये दोषारोपण जी, दोषारोपण से बात नहीं बनेगी, दोषारोपण से समस्या का हल नहीं निकलेगा।
पोल कर्मचारी से भी आपने पूछा, उन्होंने भी लोगों को कसूरवार ठहराया और लोग एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी वहां पर है नहीं। तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों को दिखाई, ऐसी तस्वीर इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। कोरोना की महामारी के इस युग में, इस कालखंड में बहुत बेहतर तस्वीर होनी चाहिए इतने जागरूकता अभियानों के बाद और इतने नुकसान के बाद।